यहां से न सिर्फ एनटीपीसी बल्कि पीएफसी और आरईसी कैसे लग रहे हैं आपको? ये एनटीपीसी थोड़ा सा 50 डे मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, लेकिन मोमेंटम बना हुआ है। 20 दिसंबर को जो बड़ा करेक्शन आया था उसका हाई अब निकलना काफी जरूरी है, 313.50 रुपए। अगर निकलता है तो फिर इसमें नई तेजी डेवलप होगी 340-345 तक के लिए, और अगर उसी के आसपास फेलियर देता है तब प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। बट इस सेक्टर में जो मेरी टॉपिक रहेगी वो है टाटा पावर, और मैं इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूंगी, टाटा पावर मेरे और मेरी फैमिली के पोर्टफोलियो में काफी समय से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इसमें 60 रुपए से हम होल्ड कर रहे हैं, और टारगेट एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 360 रुपए टाटा पावर में दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर व्यू 6-8 महीने का है तो यहाँ पे 500 रुपए का टारगेट मिल सकता है। तो ऑफ द टू अगर एनटीपीसी और टाटा पावर में एक मेरे को लेना होगा तो मैं टाटा पावर की तरफ ही झुकाव अभी भी रखूंगा। ठीक है, तो नजरिया जो है वो रणनीति एनटीपीसी में एक बेहतर तरीके से एम लेवल जिस पर निगाह रखनी है वो 313 का है, लेकिन पसंद आ रहा है पावर सेक्टर में टाटा पावर इस वक्त अंशुल जी को।